गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है ट्रेवलर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। इससे पहले जो हमारी क्लास रही है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हमने थोड़ी एग्जाम स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम अपने सिलेबस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। तो देखिए, आप इसमें टॉपिक में ट्रेवलर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में फर्स्ट जो हमारे रहे हैं वो रहे मेगास्थनीस, जो ग्रीक से आए थे 302 BC में और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ नेट में ही पूछा जाएगा, ये HCS में UPSC तक भी आपको लेके जाता है। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है और ये लगभग सभी एग्जाम्स में आपको आता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, फर्स्ट वन जो रहे वो मेगास्थनीज रहे हैं, सेकंड रहे हैं फाययान रहे हैं, चाइना से आए हैं चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे। फिर हियांग सांग रहे हैं जो चाइना से आए हैं 630 AD में और हर्षवर्धन के टाइम पे आए हैं। फिर रहे हैं सिंह जो चाइना से 671 AD में, और ये जो हमने लगा रखा है इसका मतलब है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, हम श्योर नहीं है इसके ऊपर कि ये किसके रेन में आए हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट रहे ना फोर, ये तो हमारे रहे हैं बेसिकली एंशिएंट इंडिया से, और जो इनके बाद जो जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे मिडिवल इंडिया से रहेंगे, ठीक है। फिर जो हैं हमारे आ रहे हैं अल्बर्नी आ रहे हैं ईरान से 1024 AD में, महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे। अगर हम इसको टॉपिक को थोड़ा सा और एलिब्रेटली अगर देखना चाहें कि अल्बर्नी की लिखी हुई किताब जो है वो भी पूछ लेते हैं कई बार लिटरेचर में, वैसे तो हम इसको आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे अगर इनकी बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी हुई है किताब उल हिंद। ये जो बुक है इसमें बेसिकली क्या डिस्कस किया गया है, इसमें जो है इंडिया की सोसाइटी को और कल्चर को थोड़ा एलिब्रेटली डिस्क्राइब किया गया है, और महमूद गजनी की जो रेड्स रही हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मार्को पोलो जो इटली से आए हैं 1292 AD में, और ये पांड्या किंगडम मदुरई में है। मदुरई की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट एक कहाँ है, मदुरई जो है वो हमारा तमिलनाडु में है ये, ठीक है। फिर जो है हमारे इबन बतूता आ रहे हैं मोरक्को से 1333 AD में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आ रहे हैं। अगर इबन बतूता की बात करें तो इनमें लिटरेचर में इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है, वो है किताब उल रहला। ये बुक भी जो है वो कल्चर और सोसाइटी को ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डिस्क्राइब करती है, और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करेंगे मिडिवल इंडिया में तो इनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इन्होंने अपने टाइम पे जो है वो कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था फ्रॉम दिल्ली टू देवगिर कह लो या फिर दौलताबाद कह लो, सेम ही रहता है। इनको शुरू में लगा था कि अगर हमें साउथ इंडिया में अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश करना है तो हमारी जो कैपिटल है वो साउथ इंडिया में ही रहनी चाहिए, तो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। लेकिन उसके बाद विद इन 2 ईयर्स इनको ये चीज़ पता लग गई कि जैसे हम दिल्ली बैठ के हम अपने साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही साउथ इंडिया में बैठकर हम नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट था टोटली फेल हो गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक और प्रॉब्लम भी रही है, जहाँ भी लड़ाई हो रही होती थी, वॉर चल रहा होता था, पर्सनली वहाँ विजिट करते थे। जैसे एक बार आर्मी को लेकर नॉर्थ इंडिया में है, फिर ईस्टर्न में चले गए, फिर साउथर्न में चले गए। ये इनके एम्पायर के फेलियर का मेन कारण रहा है, ये बिल्कुल किसी पे कोई विश्वास नहीं, इसलिए इनको तुगलक थोड़ा है भी ये कॉन्सेप्ट कि इनको किसी पे कोई विश्वास नहीं होता था, ये पर्सनली हर जगह विजिट करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे आ रहे हैं निकोलो कोंटी जो इटली से आए हैं 1420 AD में, देवराया वन विजयनगर अम्पायर। विजयनगर अम्पायर और बहामानी किंगडम जो है ना वो कॉन्टेम्प्रेरी रहे हैं, ये हम फर्दर क्लासेस में थोड़ा और डिटेल में करेंगे विजयनगर और बहामानी को। फिर सांग ही आए हैं चाइना से 1431 में, जलालुद्दीन ऑफ बंगाल। इन्होंने जो है विजिट ही बंगाल को किया है, जो चाइना से ये जो आ रहे हैं हमारे पास ट्रैवलर। फिर अब्दुल रजाक आए हैं ईरान से 1443 AD में, देवराय सेकंड विजयनगर अम्पायर। फिर आ रहे हैं निकेतिन जो रशिया से आ रहे हैं 1470 में, मोहम्मद III बहामानी किंगडम में। फिर वास्को डी गामा आ रहे हैं पुर्तगाल 1498 में, आदिल शाही किंगडम में आ रहे हैं। फिर एडवर्डे बर्बोसा पुर्तगाल से 1516, कृष्णा देवराया। ये जो कृष्णा देवराया जो हैं ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों के फेवरेट किंग रहे हैं,
तो फेवरेट किंग क्यों रहे हैं ये हम थोड़ा सा फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के फेवरेट किंग रहते हैं इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। फिर हमारे पास आएंगे डोमिंगो पेस जो पुर्तगाल से आए हैं, ये भी कृष्णा देव राय विजयनगर एम्पायर में ही आए हैं ये भी। फिर नूनिन जाते हैं जो कि हॉर्स मर्चेंट रहे हैं, ये ज़्यादा ट्रैवलिंग में ज़्यादा वो नहीं था इनका, ये पुर्तगाल से आए, ये भी ये अच्युत देव राय। ये जो 1, 2, 3 है ना, ये तीनों के तीनों जो हैं किंग्स जो हैं विजयनगर एम्पायर के, ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, ठीक है। फिर है एंटनी मॉन्सरेटे, ये प्रिस्ट हैं पुर्तगाल से, 1578 में अकबर के टाइम पे आए हैं। रैल्फ फिंच है, ये फर्स्ट ट्रैवलर है इंग्लिश ट्रैवलर जो इंग्लैंड से आए हैं 1585 में अकबर के टाइम पे ही। फिर आए हैं सीजर फ्रेडरिच पुर्तगाल से 1593, ये भी विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है, इसमें श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में किसका रोल चल रहा था जब इन्होंने विजिट किया, इसलिए सिर्फ विजयनगर एम्पायर ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये लास्ट टू है हमारे पास, जॉन ली कॉस्टिन डच 1595 विजयनगर एम्पायर, इसमें भी श्योरिटी नहीं है कि कौन किंग रहे हैं। और लास्ट है लामा तारानाथ जो तिब्बत से आए 1597 में, ये भी इन्होंने ईस्टर्न इंडिया को विजिट किया है। ये जो हमारी बेसिकली क्लास रही है ना, ये रही है ट्रेवलर्स ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया। जो हम फर्दर क्लास जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी इसी सेम टॉपिक के ऊपर रहेगी। इसमें हमने 21 ट्रेवलर्स को डिस्कस किया है, नेक्स्ट 21 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।